गुलशान आपका माइक्रोफोन ऑन है बेटा, उसे अभी फिलहाल ऑफ करो और
कौन? जपनीत शायद, नए स्टूडेंट्स हमारे बीच में. अश्नीत, जस्ट वी हैव टू वेट 2-3 मिनट्स. आई मेहर इज देयर. ओके फाइन, मेहर इज देयर, बट जपनीत, देयर इज वन मोर स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड एंड शी हैड जॉइंड दैट. अभी शायद कनेक्शन टूट गया. जपनीत एंड मेहर, आप 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन करो फर्स्ट. ये बाकी बच्चों मैं जानता हूँ, गुरशान से भी मेरी हो चुकी है बात. एक मेहर, आप अपना माइक्रोफोन भी ऑन करो बेटा. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. एंड बस एक वो आ जाता है ना, एक आइडिया सा, मैं किन बच्चों से बात कर रहा हूँ सामने, दैट इज ओनली रीजन. आप मुझे तो देखते रहोगे. एंड जपनीत, यू एज वेल, बेटा अपना वीडियो ऑन करो जस्ट फॉर 1 or 30 seconds, 1 मिनट. जपनीत, आर यू एबल टू हियर मी? जपनीत का कनेक्शन मुझे लग रहा है पूरी तरह से स्टेबल नहीं है. और तब तक मेहर, ये देखो बेटा, ये चैट है यहाँ पे, हम इसको बड़ा यूज करते हैं अभी. अब मुझे यस और नो करना. चैट दिखाई दे रही तुम्हें? यस सर. हेलो किया है? यस. व्हाट इज द वे कि जनरली, जपनीत आप ही बेटा कोई रिस्पांस तो करो. गुड आफ्टरनून सर. ओके फाइन, फैंटास्टिक. गुड आफ्टरनून. अपना वीडियो ऑन करो जस्ट फॉर 30 सेकंड्स. गुड आफ्टरनून सर. यस आफ्टरनून बेटा. But it was just to have a one-to-one, face-to-face understanding. उसके बाद आप वीडियो अपना ऑफ ही रखोगे, आप इवन अपना ऑडियो भी ऑफ ही रखोगे. लेकिन बस ठीक है, that's a welcome to the class. तो आज मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स करवाने वाला हूँ. तो आपको आते हैं नहीं आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मे बी मैं 10 चीजें बोलूंगा आज, तो आपको 9 आती हूँ ऑलरेडी. कोई एक चीज में चेंज द होल सिनेरियो. तो विदिन 1 or 2 minutes आई एम गोइंग टू स्टार्ट. चैट वाली बात दोबारा, जपनीत आप भी अब अपना वीडियो ऑफ कर लो बेशक. जपनीत, गुरशान एंड मेहर, आप सभी चैट पे रिस्पॉन्ड करो मुझे एक बार. जपनीत आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो. चैट पे कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सारे बच्चे, ये तीनों बच्चे बारी बारी एक बार कर दो. आई एक्सपेक्ट ही आप लैपटॉप या पीसी पे बैठे हुए ताकि टाइप करना आसान हो. वो दमन भी आ गई है. यस, और भी जपनीत ने कर दिया है नाउ, मेहर की तरफ से भी आ गया है. कुरशान, गुड गुड गुडेस्ट. तो व्हाट इज द वे, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता ही जा रहा हूँ. यहाँ पे कभी कभी मैं यस नो पूछूंगा कि समझ आ गया है,
अगर मैंने पूछा तो फिर और यस लिखने को बोलूं तो फटाफट लिख देना, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक तो ये नो भी लिख सकते हो आप, नो सर। इन द मीनवाइल वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ाई जा रहा हूँ, तो आपको कोई टॉपिक कोई बात समझ नहीं आई तो वहां पे आप लिख देना सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ऑडियो हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे उसमें, फिर वो लेक्चर में एक एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, राइट। लेकिन आपकी तरफ से डाउट पूछने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो हेयर आई गो विद द मैथमेटिकल टूल्स। दमन तुम टाइम से आया करो हमेशा बेटा, मेरी तरह तू भी लेट लतीफ है। खास करके न्यू स्टूडेंट्स की मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखते जा रहे हैं, पुरानों को तो पता ही है, राइट। पूरा लिखना लेक्चर। Quadratic equation has how many roots? Two roots, है ना? ये कह सकते हैं x1 minus b plus root minus b minus b square minus 4ac upon 2. याद है आपको कुछ सम ऑफ रूट्स याद है? शाबाश, दो बातें हो सकती है, एक आपको याद है एक नहीं याद। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद आ जाना चाहिए। सम डिफरेंस, अब ये देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। डन। एक तो एग्जांपल मैं ऐसी लूंगा कि जो आगे से होंगी फिजिक्स में, तो देयर विल बी टू सिचुएशन कि आपको वो फिजिक्स आती नहीं या कम आती है, साइन कम पता है, तो भी आप वरी मत करना दोबारा आएगा वो। लेकिन अभी मैं एग्जांपल लेने लगा हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस यू विल फेस, हमने यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका ऊपर, एक्सेलरेशन हम सब जानते हैं नीचे को होती है, एक तो एच मैक्स है ना, एच मैक्स पे बॉडी नहीं गई अभी, मतलब एक एच हाइट की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट हाइट, राइट। एच टी जीरो पे यहां पे छोड़ा उसको हमने यू स्पीड से, और यहां पे पहुंचते पहुंचते बॉडी ने यहां से आते आते टाइम टी वन लिया, और शुरू से
जीरो से गिनते हुए उसी हाइट से गुजरते हुए एक बार ये जा रही थी बॉडी और एक बार वापस आ रही है, तो यहां तक आने में टाइम इसने ले लिया टी टू। रिमाइंडर टाइम देने कहां से है, स्टार्ट से। तो इंग्लिश में क्या बोला होगा जो मैं लिखूंगा नहीं, क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा फास्ट कहीं हो सकता हूं, आप बोल सकते हो सर दोबारा बताना प्लीज। तो इट वॉज एट सेम हाइट एट टू टाइम्स फ्रॉम द स्टार्ट टी वन एंड टी टू। तो हमने यहां पे प्रूव कर देना है, प्रूव और याद दोनों, वो जो हाइट थी ना जहां से गुजरे टी वन टी टू हाइट पे, ये प्रूव भी कर देना याद भी कर देना हमने। एंड यू इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू इज टू यू बाय जी। ये प्रूव करना सिंबॉलिक है ये समझाने के लिए, कहीं भी आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। आप सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले लूं, एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, इस पे 1D में कई बच्चों को साइन की प्रॉब्लम होती है, तब की बात तब करूंगा, फिलहाल मैं ग्रांटेड मान रहा हूं कि आपको आता है। अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो ए को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, तो इट इज 2h, लिखते जाओ मीडियम स्पीड से, शाबाश। What we say here, ये quadratic बन गई है किसमें, टाइम में, t की पावर 2, t की पावर 1। तो अगर ये quadratic है तो इसके दो सोल्यूशन होने चाहिए, वो दो सोल्यूशन कौन होंगे, t1 एंड t2। तो here t1 एंड t2 आर टू सोल्यूशंस। तो भाई साहब अगर ये सोल्यूशंस हैं तो इनके पास सोल्यूशन वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आपको थोड़े छोटे बच्चे मानते हुए यहां पे a कितना है, इससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ax2 से, ax2 plus bx plus c is equal to 0 से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो a कितना हुआ यहां पे, g, b कितना हुआ माइनस टू यू, और c कितना हो गया 2h। तो ये टेक्निक आप कहीं और यूज कर पाओ भगवान करे, इसलिए आपको बताई गई है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए, टू इज सी कितने गया टू एच, ए कौन है जी है, ये लो जी बात बन गई, हेंस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू। सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, ये वैसे आसानी से भी आ सकता था नीचे वाला, लेकिन अभी हमारा ध्यान था क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक करते हैं नमस्ते, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक की और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम साथ में लेते हुए चलते हैं, अ क्वाड्रेटिक हैव रियल रूट्स ओनली, बोलो अपने मन में, बता दिया ना आपने कब, गुड। For real roots, d has to be what? Greater than equal to 0. D square minus 4ac has to be greater than equal to 0. अगर ये negative हुआ, तो imaginary roots होते हैं। इसका भी क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा। अभी बता देता हूँ। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो होते ही हो ना? रियल रूट्स में अगर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कहीं पे टाइम निकालना पड़े भी कितने टाइम पे क्या होगा, तो वो टाइम अगर इमेजिनरी आ जाए तो इसका मतलब वो रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम का रियल आना बड़ा जरूरी है। तो इस चीज को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, यूज करेंगे, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड था बच्चों आपको बताइए। बाकी मैं बता दूं आपको, we talk about shortcuts, we talk about so many things, लेकिन shortcuts में हमेशा that memory map के through and that is understanding के through, right? बड़ा कम बोलूँगा आपको भी ऐसे ही
आंखें बंद करके याद कर लो विदाउट एनी रिलेशन, रिलेशन कहीं ना कहीं डेवलप करके फिर याद जरूर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी याद ही हो जाए तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल ये है कि अच्छा ये जिसको ये कम समझ आए वो वांडी में दोबारा आने वाला है। टॉपिक हमारा मैथमेटिकल टूल्स है बस ये मैन एंड बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इन दोनों में डिस्टेंस डी है एंड मैन स्टार्ट्स विद constant velocity v and bus starts from rest with acceleration a, और ये पिक्चर है t is equal to zero। अंग्रेजी में क्या लिखा होगा, यहां बस आदमी ने बस देखी और बस पकड़ ली थी उसने और जैसे ही वो भागा बस भी चल पड़ी साथ में, लेकिन वो धीरे धीरे चली गई। तो UB is zero, but AB is A. और आदमी लेकिन कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। फ्यूचर में अगर उसको वो पकड़ता है यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस होगी और ये कौन होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचती है बस उतने टाइम में मैन को वहां पहुंचना होगा ताकि दोनों आमने सामने हो जाए और यहां पर कैच कर ले। आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस डी, जितना डी और बस ने चला है वो मैन को चलना पड़ेगा उन दोनों को मिला के, इनिशियल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इट इज वी इनटू डी। मैं थोड़ा सा बात को रिपीट कर दूं कि वन डी चल रहा है, हालांकि हमें करना मैथमेटिकल टूल्स है, देयर मे बी टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स अमंग यू, किसी को ये ऑलरेडी कम आता है तो ज्यादा समय नहीं आ रहा, वो भी होल्ड रखे, वो मन को समझा ले कि सर जब 1D कराएंगे तो ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा ध्यान 1D पे नहीं है, अभी हमारा ध्यान क्वाड्रेटिक की टेक्निक्स पे है। देखो बन गई है। अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है कि देखो इसको क्वेश्चन को What should be minimum velocity of man? ये extreme condition है, minimum velocity. What should be the minimum velocity of man so that he catches the bus? तभी हमने मैंने वो question से पहले आपको समझाना शुरू कर दिया था, पकड़ तभी पाएगा, अगर पकड़ पाया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओ ये इक्वेशन अगेन किस में बन रही है, टाइम में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से वॉच करो, इसमें वेरिएबल ज्यादा है, हमें टाइम का भी कुछ नहीं पता और पूछ वो वी के बारे में है। थैंक गॉड वो वी नहीं पूछ रहा, वी की एक एक्सट्रीम कंडीशन पूछ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो कहता अगर ये क्वेश्चन ट्रू है टाइम की, तो ये टाइम में कोई अरे गए वैल्यूज नहीं हो सकती, इसमें भी एक कंडीशन लगनी चाहिए। दैट इज फॉर मैन टू कैच द बस, t की वैल्यू इमेजिनरी होनी चाहिए या रियल, इट शुड बी रियल एंड t इज द रूट। तो फॉर द मैन टू कैच द बस t शुड बी रियल, व्हिच इंप्लाइज दैट इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट कहां से आएगा, थोड़े छोटे बच्चे मानते हुए नहीं, b square minus 4ac has to be greater than equal to 0. अब b कितना है जी,
ए कितना है, ए ए ही है बाई चांस, और सी कितना है 2D. 4V square is greater than equal to 8AD. V square is greater than equal to 2AD. V is greater than equal to root 2AD. ये कंडीशन है कि V जो कम से कम root 2AD के बराबर होना चाहिए. अब ना इससे बात ही करूंगा, इतनी मेहनत कर रही है तो एंड में उससे बात करने से क्या होता है, याद रह गया तो अच्छी बात है, मजा आ जाएगा. क्या क्या याद करना है, लेकिन यही सिचुएशन हो तो लगाना, ये नहीं कहीं भी समय ना आया तो ये लगा दू. बस रेस्ट से स्टार्ट भी थी, बस की एक्सेलरेशन ए थी, तो अगर इनिशियल डिस्टेंस डी था और आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहता है अगर, तो उसकी कम से कम वाली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट ए टू ए डी. अगर हुई तो पकड़ पाएगा, वरना वो पकड़ नहीं पाएगा. तो इन क्वेश्चन में दोबारा मैं फिर आप इसके एलेबोरेट करवाऊंगा कि इतनी वेलोसिटी पकड़ा या नहीं पकड़ा, कहाँ पकड़ा, वो 1D में करेंगे अभी हम. तो क्या कंक्लूजन क्या करें, कहीं पे अगर टाइम की क्वालिटी बन गई हो, टाइम की और एक्सट्रीम कंडीशंस पूछ रहा हो मैक्सिमम मिनिमम टाइम, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि अगर टाइम की क्वालिटी का तो रूट रियल होना चाहिए, राइट. तो मे बी कोई लॉटरी लग जाए, लॉटरी लगती नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है. क्वालिटी को नमस्ते, आगे चलते हैं. टिल नाउ जस्ट एक थोड़ा सा चैट का, is it everything clear to everybody? जो अभी तक हुआ है आप नो भी ले सकते हो, लेकिन yes लिखोगे तो मतलब कुछ लिखो जरूर. I was expecting कि yes or no, is everything clear? जो अभी तक quadratic clear है, जब नीट का जवाब आना जरूरी है. और यू आर फ्री टू राइट नो एज वेल, बस ये अभी आज मुहूर्त है ना तो इसलिए मैं रुका हूं. तो सीरियसली राइट नो भी लिख सकते हो आप हमेशा. If x is less than 1, याद होना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा इसको बोलना नहीं चाहूंगा, राइट. हाँ थोड़ा सा कर देता हूं, ये सेम है लेकिन जान बूझ के, अगर माइनस हुआ तो 1-nx हो जाएगा. हाँ बेशक ना भी लिखना या लिख भी लेना, ये एक्स्ट्रा वाले. मैं भी आपसे एक क्वेश्चन ही पूछने लगा हूँ ज्योमेट्री का, मतलब ज्योमेट्री मेंसुरेशन मान लो, ज्योमेट्री मान लो, आपने आंसर देना है वहां पे आर ओवर रूट 3 ऐसे कुछ ले सकते हो. तो सभी फास्टेस्ट ये नहीं तो पढ़ा ही रहा, पूछ रहा हूँ आपसे. अपनी प्रेजेंस बताओ मुझे, महसूस करवाओ. दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये उसका सेंट्रोइड है, राइट. सेंट्रोइड के डिस्टेंस को आर बोल सकते हैं. तो फटाफट मुझे आर की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए. तो आपकी प्रेजेंस में महसूस करना चाहता हूं आपका आंसर. अगर आप आर बता देंगे तो बच्चा अब पता है, बता के याद करना है हमें.
जो आप बता दें वो जीएम की गली बता दें, ये बात गुड। देखो मेहर ने आंसर लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी तक नहीं पता है सही है गलत है, राइट। गुड, तो लेट मी चेक। मैं आमतौर पर ऐसा करता हूं, किसी को किसी तरीके से पता है, कोई इशू नहीं है। मैं जनरली बिकॉज ये मीडियन की जो तो ये मीडियन सेंट्रोइड का मतलब है, मीडियन मिलती है पता ना, तो ये ए बाई टू है, ये आर है, तो इसमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए बाई टू अपॉन आर, ए बाय टू अपॉन आर क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है कॉस, और क्या आंसर लिख रहा है, दो ही बच्चों ने लिखा है, बड़ी बुरी बात है, रूट से बाय टू। आर इज हाउ मच, ए बाय रूट से, कोई बच्चा क्रॉस चेक करके बताया कि ये सर अश्नीत क्रॉस वेरीफाइड, और बच्चे भी इवन जपनीत आप भी जो भी मतलब मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैथमेटिक्स जल्दी में कभी गलत हो सकता है, तुम सारा क्रॉस चेक करो। थैंक यू। तो देखो जिन बच्चों को गलत हुआ है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उनको तो फिर ध्यान देना ही है कि आज का मैथमेटिकल टूल्स का जो थैंक यू तो आज का मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ आता है किसी को नहीं आता, इतनी सी छोटी सी गलती से आप मार खा जाओगे, आपको बताइए रूट थ्री बाय टू। मैं लेक्चर छोड़ के भाग जाऊंगा आज, मुझे लग रहा है रन अवे। अश्नीत तुमने ये क्या आंसर लिख दिया, ठीक करो अपने आप को फिर। एनीवे मैं आपसे पूछने की बजाय जो इसका गलत गलत है ठीक करो और सीरियसनेस देख लो, कहां हमने अभी 30 चैप्टर करने हैं और कहां मैथमेटिकल टूल्स, कोई कारण होगा ना, तो बड़ा सीरियस लेना आपके मैथमेटिकल टूल्स को, आज भी करेंगे कल भी करेंगे जो भी टाइम लगेगा, बाकी फिर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा काम करने की, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर। मैकेनिक्स तो मुझे पूरी तरह ढंग से खुद ही करवानी करवानी है, कुछ ही करवाना है वैसे, चलो वापस आते हैं मैथमेटिकल टूल्स को वेरी सीरियसली लो। क्या एग्जांपल हो सकती है, तीन मासेस पड़े हैं, सेंटर में मास है, सर्कल में घूम रहे हैं बाकी मासेस, तीन चार्जेस पड़े हैं, सेंटर में है सर्कल में घूम रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स ब्ला ब्ला, और मुझे अब सीरियसली कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आप मेरे स्टेप्स को यस और नो करते जाना। चलो आई होप आपको ये तो पता ना मैंने आर बोला किसको, या तो आपने याद किया हुआ है वो आंसर बोली जा रही है, सारे बच्चे मेरे साथ, मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है गॉड, बस सारे इस ट्राइंगल में आ जाओ, अब तो सारे यस और नो करते जाना, इस ट्राइंगल में आगे राइट एंगल ट्राइंगल है, जीएम बता रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है, बस जीएम 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 वाले, ओके मैं दोबारा पहले से करता हूं, इस पे बस आप खत्म करो ताकि कोई गलती ना करो, अब इसमें हम कर रहे हैं दैट इज एएम अपॉन एजी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस 30। मैं पहले इसको लाइट देने वाला था अपॉन आर, कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 1 बाय 2, कॉस 30 रूट 3 बाय 2,
टू कट गया, हेंस आर इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री। आप इस मेहनत को जाया मत जाने देना, याद ही कर डालो। यस नहीं, कौन सा सेंट्रॉइड का किसी कॉर्नर से डिस्टेंस। अब सेंट्रॉइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सम साइड, जैसे हम जीएम बोल रहे हैं, ये वैसे मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं वो ज्यादा ज्योमेट्री में ना जाके, जीएम अपॉन ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन 30। ए अपॉन टू रूट थ्री, उसका हाफ होता है। बिल्कुल, ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। चलो इसको भी नमस्ते करते हैं। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, बॉडी डायगोनल बेसिकली, लिख दो फटाफट। ड्राइंग में कुछ बनाने ही लगा मैं तो वैसे ही। इज इक्वल टू रूट थ्री। अगर कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हो, वेक्टर्स में भी हो जाता है कवर, लेकिन हम करते जाएंगे। देन बॉडी डायगोनल इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ना मैं पूछ नहीं रहा, आप बता ही जा रहा हूं। साइन लॉ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करवाने के बजाय मैं आपको जो जरूरी पॉइंट होंगे वही कराऊंगा, ठीक है। अगर ए बी सी ये बड़े बड़े हैं एंगल, ए के सामने वाली साइड को छोटा ए बोल रहे, इसको बी बोल रहे और इसके छोटा सी बोल रहे, देन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, right, is equal to c upon sin c। यहीं से लैमी थ्योरम बनती है, लेकिन ये लैमी थ्योरम नहीं है, ये साइन लॉ है। और इसको अप्रिशिएट करो, क्या फायदा दे रहा है, फायदा क्या दे रहा है, बहुत बड़ा फायदा दे रहा है। दो साइड पता है, दो एंगल पता है, एक एंगल पता है, कोई एंगल नहीं पता। इसके साथ ये इसका कुछ नहीं पता, आप इसमें प्ले कर सकते हैं एंगल्स और साइड्स का। साइन चेक कर लेना है। ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। नमस्ते करो इसको, नमस्ते ये करनी है कि आपको ये नहीं दिए हुए ड्रॉइंग में बता रहा हूं, कोई एंगल दिया हुआ है और दो साइड्स दी हुई है, दो साइड्स उनके बीच का एंगल, थर्ड साइड विल कम। ये बच्चे वेक्टर्स का गलत फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये नहीं यहां पे आना। तो थर्ड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइड्स का स्क्वायर ऐड कर दिया उन्हीं का माइनस टू बी सी कॉस ए एंड वाइस वर्सा, मतलब बस और भी लगाने होंगे, और भी लगाओगे यानी लिखा। अब एक और याद कर, कॉस ए लिखना होता तो क्या लिखते हैं, कॉस ए लिखना होता है तो बी स्क्वायर
plus c square upon 2bc. ये भी एक सुंदर फॉर्म है, यहीं से बनी है, आप चेक कर लेना ठीक है। काम आती है, तीन साइड्स दी हो तो किन्हीं के दो साइड्स का एंगल निकालना हो तुम निकाल सकते हैं, जिसका एंगल निकालना हो समझ गया बड़े बच्चे, इसको क्रैमिंग टाइप दिमाग में उठा लो। क्रैश कोर्स है तो इसकी एग्जांपल करवाने का मैं कोई बुरी सदर यहाँ पे आई विल बी एट अ मीडियम स्पीड, यहाँ चलता जाऊंगा, किसी को रोकना रोक सकता है। हम जानते हैं 0 degree, 90 degree, 180, 270 degree, 360 degree. This is called first quadrant, this is second quadrant, third and fourth. तो हमें first quadrant में याद है आपको All t ratios are positive. इसमें sin theta and cosecant theta. One upon sin theta. All positive. Yes. Rest negative. अब यहां नहीं लिखूंगा, यहां कौन tan theta and one upon tan theta. यानी cot theta. All positive. Rest negative. यहां पे cos theta and one upon cos theta. Positive, rest negative. Again, positive and negative angle याद आपको? अगर मैं x है, तो ये x axis को reference लेते हैं, कुछ ना बोला हुआ, तो जब rotation चल रही हो, मतलब तो उस वक्त हम x axis को reference लेते हैं generally. तो x axis के हम इधर को भी घूम सकते हैं, इधर को भी घूम सकते हैं. कह रही हो ये भी theta, लेकिन ये वाली direction कौन सी है? मतलब ये 30 डिग्री कुछ होता तो नेगेटिव एंगल जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया. क्या मीनिंग है इसका मैं बात करता हूं. कई बच्चों को ट्रबल आती है वो साइन 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, तो बिना ज़ूम किए भी किसको पता है किसको नहीं पता, मैं अगले 2 मिनट में इससे बात कर रहा हूँ. पहले को फंक्शन के बारे में सुनना बच्चों. साइन थीटा का पूरा नाम पता है क्या? साइन ऑफ थीटा. कॉस थीटा का पूरा नाम पता क्या है? कोसाइन ऑफ थीटा. हेंस दीज आर कॉल्ड को फंक्शंस ऑफ ईच अदर. साइन कोसाइन. साइन का को फंक्शन कोसाइन, कोसाइन का फंक्शन को फंक्शन साइन. इसी तरह टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट थीटा और थीटा का कोटेंजेंट थीटा. तो मैं ये को फंक्शन है. अगला ना समझाते हुए अपने आप समझाओगे एक सेक थीटा एक को सेक थीटा. दीज आर थ्री को फंक्शन पेयर्स. अब rules of using function or co-function. मैं लिख रहा हूं फटाफट तो एग्जाम्पल दूंगा ज्यादा समझ आएगा, लेकिन अभी याद भी करना. इफ एंगल इज इन दिस फॉर्म 90 प्लस माइनस थीटा
270 plus minus theta, 90 ka odd multiples, 450 plus minus theta, and so on. Then co function is used. मिनिमम लैंग्वेज है, अभी आपको समझ आ जाएगी. क्रैश कोर्स है ना ये. दो रूल्स है, एक इफ एंगल इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन, then same function is used. उसका को function नहीं use करते. क्या मतलब है, बात खत्म करते हैं. अगर कहीं लिखा हुआ है sin 90 plus theta, पहली बात तो हमारी कोशिश होती है अगर जब भी ब्रेकअप करते हैं तो theta 90 से small होना चाहिए, मतलब ये वाला theta. तो अगर ऐसा हुआ तो आप इतने बड़े बच्चे हैं, प्लस वन के बच्चे को टाइम लग गया था समझने में ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है. 90 से ऊपर चला गया ना, तो इट इज सेकंड क्वाड्रेंट. तो अब ना आपने जो ओरिजिनल टी रेशियो है और मेरे साथ बताना है आपने कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है. दो चीजें लिखनी है तो पॉजिटिव लगा के दो डिसीजन करने होते हैं हमने क्वाड्रेंट को देख के भी, यहां साइन कौन सा है, ये फ्यूचर में क्या बनेगा ये नहीं सोचना, अभी कॉस बनेगा नहीं बनेगा. अभी आपने ये देखना है कि जो कोऑर्डिनेट है उसपे वो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका साइन क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है साइन. अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, अभी पॉजिटिव. फिर अब हमें पूछना है अपने आप से कि फंक्शन एज इट इज यूज होगा या इसका को फंक्शन यूज होगा, ये हम इससे पूछेंगे. 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 प्लस थीटा वाला रूल यहां पे है, इफ एंगल इज 90 प्लस 10 देन को फंक्शन इज यूज. ओह, और को का मतलब साइन का क्या बन जाना है, cos theta. एक एग्जांपल और करूंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करूंगा फिर नमस्ते आपको बता दूं मैं. और अनाउंसमेंट छोटी सी, आप मुझे ग्रुप पे डाल सकते हो कि सर वो जो आपने करवाया था समझ आ गया था लेकिन थोड़ी एग्जांपल और चाहिए, या तो दोबारा बता दोगे ठीक है. यहां भी आपको यस और नो कर सकते हो. अगली एग्जांपल छोटी मोटी गलती से हमारे नंबर ही करने चाहिए नीट में, यही ना पता चला कि a by root 3 आ रहा था, a into root 3 आ रहा था. यही अगर cos 90 plus theta होता, अभी भी हमने ये कहना है कौन है तू, कहता मैं second quadrant हूँ. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने पूछा जो ओरिजिनल फंक्शन कॉस है तू क्या होता है, कहता मैं तो नेगेटिव होता हूं. फिर हमने वो बिठा दिया, मैंने वहां बेशक 90 प्लस ये को चेंज करवाएगा करवाएगा तो को चेंज करवाएगा तो कॉस का साइन थीटा. देयर आर टू और थ्री प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देन वी विल मूव फॉरवर्ड. मुझे किसी ने बोला साइन 120 कितना होता है, मैंने कहा पता नहीं लेकिन रुक के बताता हूँ. अब मैं 90 प्लस 30 लिखू 90 को लिखू लेकिन रहेगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव. और अब को चेंज होगा, कॉस 30 पता आपको कितना होता है, रूट 3 बाय 2. कोई और स्टूडेंट ने बोला सर मैं तो नहीं ऐसे करता, अगर मैं ऐसे करूं क्या गलत होगा, मैं बोलूंगा नहीं तू भी ठीक है. और सर इसमें तो फिर को चेंज करना नहीं करना हमने, पहली बात तो रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट ही और साइन ही है तो यहाँ पॉजिटिव रहना है. अब लेकिन हमने अपने रूल से पूछा कि 180 वाले जो होते हैं तो सेम फंक्शन यूज होगा तो को चेंज यूज नहीं होनी, प्लस साइन 60. साइन 60 कितना होता है, 3/2. वाओ, आना ही चाहिए था ऐसे वरना गलत हो जाता उस मेथड से कुछ और उससे कुछ और. सिर्फ नेगेटिव वाले बता रहा हूं आपको मैं, समझाने की बजाय सिर्फ याद ही कराऊंगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेकंड, कॉस माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा,
secant minus theta is plus secant theta. Rest all negative. लिखो फटाफट. मैं टाइम बचा लेता हूँ. बाकी साइन लिखो, टैन लिखो, कॉट लिखो और कोसेकेंट लिखो. पानी का घूंट लिखो. मिल गया. एक ना जरूरी वाले. साइन वाले में जीरो होता है ये होना. मैं अचानक पूछ लूंगा पूरे क्रैश कोर्स के दौरान किसी बच्चे से ना उसे बताया ना गलत बताया ना थप्पड़ मारूंगा. साइन वन एटी जीरो, कॉस वन एटी माइनस वन, साइन टू सेवेंटी इज माइनस वन. कुछ चेक कर लूंगा एक बार. एक बात और, थ्री सिक्सटी प्लस थीटा हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सभी को पता है क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव. तो एनी फंक्शन ऑफ 360 प्लस थीटा इज अगेन दैट फंक्शन. और रादर 360 का कोई भी मल्टीपल. डिग्री है राइट प्लस थीटा इज अगेन sin थीटा. अगर रेडियन में लिखूं 360 डिग्री को आप क्या लिखते हो? 2 पाई रेडियन. इससे मैंने बात नहीं करी किसी को कंफ्यूजन हो पूछने का वजह से. तो यहां 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई n प्लस थीटा 2n पाई लिख देते हैं मर्जी है फॉर ऑल. और का मतलब कॉज हो कुछ भी हो सारा वही कभी वापस आ जाएगा. अब ना दो चार फॉर्मूले हैं उन्हें रटना है, याद करना और करना ही है. उसके बेसिस में शॉर्टकट बनने हैं, चाहे वो वेक्टर्स में बने, चाहे वो जहां भी फॉर्मूला आएगा ना बच्चों, आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा या कुछ और. तो मे बी ए सी आ जाए तो कहीं ना ऑप्टिक्स में भी. तो वो फॉर्मूले बड़े यहाँ पे काम आएंगे जो भी वर्क करने वाला. उनको इग्नोर नहीं मारना, दिल से याद करना है. आपका टाइम बता सकते हैं क्वेश्चन और मैं आपके दिल से बहम निकाल दूं. शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती. इंटेलिजेंट क्रैमिंग है विद गुड ऑब्जर्वेशन. अगर कोई टीचर कह देना कि देखो मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए और वो रॉन्ग होता है, वो कि फॉर्मूला बताया उसी व्यक्ति पुट की आंसर आया खुश हो गया बच्चा, जब मौका आया तो कहीं कहीं उसको लगा ना. तो विद पेन काम करना है हमने प्रॉपरली. कई बार ये जैसे शॉर्टकट कर लो तब तब बनेगा अगर ये आपको याद है. साइन ए प्लस बी मुझे पता आपको आता है. देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. थोड़ा सा बड़े बच्चों वाला बिहेव करता हूं. साइन ए प्लस माइनस बी उसी ऑर्डर में ठीक है गति ना. माइनस प्लस भाई आपको समझ लो. अगर कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड वाइस वर्सा. इन दोनों को पकड़ के हमने एक ये फॉर्मूला साइन टू थीटा. थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं बहुत ज्यादा भी नहीं. तो तोड़ दिया मैंने साइन थीटा प्लस थीटा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. आप पीछे चल पाए नहीं चल पाए मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं. साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा. ये हर हालत में आपको आना चाहिए. अगर आपने नहीं याद करना तो नीट की तैयारी छोड़ दो. दूसरा कॉस टू थीटा
यहाँ पे cos a cos b, माइनस साइन है साइन भी। आप ऐसा बीच वाला स्टेप छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो उसको, पढ़ लो। देखो ये cos square theta माइनस साइन square theta, ये मैंने आपको मेमोरी मैप बनाने के लिए वो जानबूझ के वहां से गुजारा आपको, लेकिन ये भी आपको याद आना चाहिए, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी करें मतलब समझ आप, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना मैं स्लो स्लो करता हूँ अपने आप को, आप इसको थोड़ा ठीक करो, दो बार इसी के दो दो रूप और बन लिए। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो यहां से एक बार साइन स्क्वायर थीटा को पुट करो तो नया फॉर्मूला बनाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को पुट करो तो नया फॉर्मूला बनाओ। और मैं यहां बना नहीं रहा, फिर तो ये पूरा साल हमारा हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं सिर्फ, बाकी होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए, अपने हाथों से करना जरूर। क्या करो, पता चल गया ना, कॉस का थीटा को पुट कर देना वन माइनस साइन का थीटा कुछ आएगा, तो मैं लेकिन सीधा लिख रहा हूं फ्रॉम वन एंड टू, आपको क्यों कह रहा हूं करने को, तब भूलेगा नहीं, टू कॉस का थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन का थीटा, ये जो दो कर रहे थे दोनों को मैंने एक ही बार में लिख दिया, और जो तीसरा था उसको भी यहां लिख देते हैं, ये लो इसको जी भर के देखो, बात खत्म नहीं हुई, बात यहां से हमने बनानी है। आप ऑसिलेशन पे करो, सॉल्व करो, कई फॉर्मूले फायदे में जाते हैं। बस पहले को पकड़ो, वन को इधर ले आना, अच्छी तरह बिल्कुल अभी का अभी इसको ना अपने मेमोरी मैप पे बिठा लो, ओ वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉस का थीटा। अब इन दोनों को से भी बात करो, इसको इधर लेके जाके इसको इधर लेके जाके कुछ बनेगा, और दाएं बाएं करने के बाद मैं आपको मेमोरी मैप बनाने की हेल्प भी कर रहा हूं, इकट्ठा देखो दोनों को, वाओ मतलब डबल एंगल फंक्शन को हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर में तब्दील हो रहा है, जब आएगा तब की बात तब करेंगे, राइट, विल कीप ऑन मूविंग, लंबी सांस ले लो, द पोस्चर चेंज कर लो, यस, मतलब हो सके तो उठ के दोबारा बैठो और बढ़िया होगा। अच्छा अभी हाफ एंगल फॉर्मूले बात हमारी खत्म हुई थी, तो अब साइन थीटा हाफ एंगल फॉर्मूले इन्हीं से बनने हैं। किसी ने मुझे कहा साइन थीटा को कुछ और लिख सकता हूं, मैंने कहा लिख सकते हो अगर आप इसको इस नजर से देखो, ये डबल एंगल फॉर्मूला है थीटा बाय टू का साइन थीटा, तो फिर कन्विंस ना करता हुआ बस हल्का सा शुरू कर दिया था, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनना चाहिए, टू साइन ऑफ थीटा बाय टू इनटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कोई मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका हाफ एंगल तो और भी इसको देखो, अब मेरे पे डिपेंड होगा वो, यस आपकी जर्नी है, यहाँ कॉस थीटा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू कॉस का थीटा बाय टू माइनस वन, वन माइनस टू साइंस का थीटा बाय टू, शाबाश, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, वन माइनस टू साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू, मतलब एंगल का हाफ है फंक्शन का,
यू शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि मैं आपको ना ये भी कह सकता था, ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी जो बुक से रिवाइज कर लेना, आप इस बात को अप्रिशिएट करो। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस है कि मैं इस पर रिस्क लेना चाह रहा था, मेरे साथ ही आप रिवाइज कर लो एक ये, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात, यहां सिंगल थीटा कर दो और यहां थीटा बाय टू है, या यही से मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और आपको पता ही उसका रिजल्टेंट है। तो आप सबने क्या हुआ, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और यहां पे अगर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आप इसको बचाइए उसको वेक्टर तो मुझे वैसे ही आते हैं, अब कभी तब देखेंगे फिर ना, तो सॉरी और आर ही होता है और इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है ए माइनस बी, जो वो बाद में करते हैं, ये रिजल्टेंट है। तो इफ ए इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख लो आप, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाना बड़ा हार्ड वर्क है, बाकी ब्रेन वर्क तो है ही है लेकिन हार्ड है, इज ओवर टू अगर डिसेंटली पढ़ानी है तो ठीक, उसको क्या लिखूं, टू कॉस का थीटा बाय टू, कहां से लेके आया मैं इसको, और क्या कहोगे, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस का थीटा बाय टू, आपने जब लेक्चर खत्म होगा, जब दोबारा रिवाइज करने का मन होगा तो जरूर लिख लिख के इम्पोर्टेंट वालों को, जो आपको लगे होंगे कि हाँ यार दिमाग में लिखी चीजें जो है, इट्स गुड वेरी गुड, आप पहले से ही दो सालों से कर रहे हो तो ये अच्छा, थोड़ा ध्यान रखिए ऐसा कुछ जरूर करेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन वेक्टर एक होता है, अगर कोई वेक्टर s = a - b डिफाइंड होता है तो जिनको पता अच्छी बात है, नहीं पता वो लेके चले कि अगर ऐसा आ गया तो हो क्या, तो ये वेक्टर्स में कराऊंगा मैं, अब दूसरी तरफ आना कि ऐसी स्थिति आ गई, दोनों में डिफरेंस देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक जरूरी नहीं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, कहीं और भी आ सकता है, वेव ऑप्टिक्स में भी आ सकता है, और फिर रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी आप सब दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसी फॉर्मूले से आता है, ध्यान रखो। तो उस केस में इफ बी इज इक्वल टू ए, मैं सारे स्टेप छोड़ के सीधा आंसर लिख रहा हूं, लिख दो ना, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देंगे, तो जहां टाइम बचता बचाओ तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं बचाते, थोड़ा सा बताओ किया क्या हमने, टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो एस इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा, ये थे जो जरूरी फॉर्मूले यहां पर।
मुझे एक मिनट की ब्रेक है, राइट, एक डेढ़ मिनट के बाद मिलते हैं। वन सेट ऑफ फॉर्मूला हो रहा है बच्चों, इसको भी आप याद करोगे, बिकॉज वेव में फिर वो स्टैंडिंग वेव्स की जब बात आती है ना, ऑल्दो नीट का क्वेश्चन उसके बिना हो जाता है मैक्सिमम, फिर भी नॉलेज जो जरूरी है वो हो जाए तो अच्छी बात है। तो साइन सी प्लस मैं भी कुछ भूल जाता हूँ अगर ज्यादा बार ना करूँ तो, देर बाद यूज करें ना सर, और C माइनस D वर्ड। अगर पहला आता हो तो दूसरा अपने आप हो जाता है, लेकिन याद ही करो दूसरी बात है, पहले कॉज आएगा फिर साइन। C प्लस D वर्ड टू cos c plus cos d 2 cos c plus d by cos ही आएगा दोनों बार, माइनस 2 sin c plus d by 2, ये एक्सेप्शनल है। What do I say? वैसे तो आपको क्रैमिंग करने आदत होती है, देखो जी, नो ऑफेंसेस, बायो में कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, नो डाउट अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं फिर भी ये फॉर्मूला है सबसे बात, अगर आपको लगे ना बहुत क्रैमिंग करनी पड़ गई तो पिछले में जो मैंने करवाया था उसमें छूटना चाहिए, वो 100% याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी याद है तो बुरा नहीं, इतना बढ़िया। एक ही हो गया, एक अप्रोक्सीमेशन वाली बात जो मैं आपसे बात करूं, ये हम सभी जानते हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल,
in radian. जो सर्कुलर सिस्टम है बेसिकली इसे सर्कुलर सिस्टम बोल देते हैं, जो अंग्रेजों का सिस्टम इंग्लिश सिस्टम में आप जानते हैं पूरे सर्कल को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, फिर वो 90 डिग्री सारा पता है, तो वो भी बात करनी है थोड़ी सी। फिलहाल ये कि अगर कोई आर्क ए बी है, ये आर्क है, इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है थीटा, आपको पता होने के बावजूद कुछ लाइन बोलने लगा मैं, व्हाट इज थीटा, थीटा का पूरा नाम एंगल, यस सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट पॉइंट एंड एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस ऑफ आर्क, देन बाय डेफिनेशन थीटा इज व्हाट, एल बाय आर, और थीटा जब भी आता है उसमें इन रेडियन आता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन, मुझे पूछा था वन डिग्री कितना होता है, तो मैं आइडिया ले सकता हूँ पूरे सर्कल को 360 में कट कर दूंगा छोटे छोटे छोटे, वन डिग्री इतना सा एंगल आएगा छोटा सा, तो वन रेडियन कितना है। उसके लिए कहता कोई ऐसी सिचुएशन कि आर्क को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कब तक, जब इस लेंथ आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तब थीटा इज वन रेडियन। व्हाट इज वन रेडियन, इट इज आर, नंबर टू। अच्छा वो फॉर्मेलिटी जहां इतनी करी है ना थोड़ी और कर लेते हैं कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, साथ में यूनिट्स बोलने का फायदा होता है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ये मैं प्लस वन या ड्रॉपर्स में प्रूफ भी करवा देता होता हूं लेकिन अभी नहीं होगा। पाई बाय 180 रेडियन, आप ऐसे किसी एक बच्चे को मानते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चा भी है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना अंदर, तो उसके लिए तो डिग्री को रिप्लेस कर देना आपने, जहां इतना किया तो फिर 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन, नमस्ते बोल। तो अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, है ना, लेकिन मैंने इसके लिए बात नहीं करी थी, बात करी थी मैंने अप्रोक्सीमेशन के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन जो बनेंगे मुझे दोबारा ही बनाना पड़ेगा, अगर ये कोई ए है ये बी है और ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये आर है और ये थीटा है, दोनों चीजों में फर्क है, ये आर्क की लेंथ एल है और ए बी कॉर्ड बेसिकली इसको बी बोल दिया डायरेक्ट लाइन को, अगर मुझसे वो थीटा पूछे तो थीटा विल बी एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क, बी से उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल ड्राइंग में वेरी स्मॉल बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको, उस केस में एक एल आ रहा है नजर पर मेरी ड्राइंग भी टेढ़ी हुई है तो आई शुड बी बेटर वन, तो यहां पे अगर मैं ए और बी दो पॉइंट ले लेता हूं
एकदम फ्लैट होता जा रहा है, सम टाइम इट हैपेंस। चलो वो नोट लो, इसी ए और बी दो पढ़ लेता हूं और थीटा को स्मॉल कर दिया। अभी मैं जानबूझ के एल और बी अलग अलग दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो कि इफ थीटा इज स्मॉल एल और बी आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, राइट। अब बड़े बच्चे प्लस वन होते हो टाइम लगाता, अगर थीटा स्मॉल हो तो एल इज नियरली इक्वल टू बी, थीटा की डेफिनेशन ये वाली है, तो थीटा कैन बी टेकन एज नियरली इक्वल टू बी बाय। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई बार के बहुत बार ये सिचुएशन होती है, एंगल छोटे होते हैं, हमें आर्क वार्क का नहीं पता होता, डायरेक्ट डिस्टेंस पता होता है, हम लगा देते हैं, लेकिन जो थीटा आएगा लेना किसमें, रेडियन में, पता नहीं है। और बात करें, मैं पिक्चर वहां से पुल आउट करके कोई दो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस हमें पता है, मान लो ये कुछ पता होगा, इसको उसने एक्स बोल दिया, राइट। फिर आज मैं बी बोल देता हूं, अभी गरम गरम किया ना हमने, और यहां कोई पॉइंट है, देख रहे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट, एंड दीज टू पॉइंट या दिस लाइन विल सबटेंड एन एंगल एट दैट पॉइंट। अब ना तो कहीं आर्क है ना कहीं सर्कल है, लेकिन एंगल्स भी हैं और सब कुछ है, और ना ही रेडियस है, तो थीटा इज व्हाट। और ये थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एंड बी, अंग्रेजी समझ आ गया आपको। तो मैं उस केस में इस एपी को अपनी तरफ से आर बोल दिया करूंगा इसके साथ पिक्चर जोड़ने के लिए, बिल्कुल कॉपी करो उस पिक्चर को, मैचअप करो, तो थीटा विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, बी बाय आर, इट इज एबी अपॉन एपी। Example, angle subtended by the diameter of moon at any point on the earth is given. ये अर्थ है, और यहां पे हम खड़े हैं और चंदा मामा को देख रहे हैं, ये मून है और वी आर जस्ट अ पॉइंट, राइट। एंड वी हैव अ डिवाइस, सो व्हिच देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड सेक्सटेंट, जिससे हम एंगल सबटेंडेड अपने यहां पहुंच कर सकते हैं। ये ए बी, अब मेरी बात समझ लो, ये डायग्राम बहुत बड़ा सा बना दिया मैंने, इतना बड़ा एंगल होता नहीं, बहुत ही छोटा होता है, और ये कौन होगा सोचिए बताओ, आर तो हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस किसका ऑफ मून, कहां से, फ्रॉम अर्थ, एंड हु इज दिस, इसे मैं डी बोल रहा हूं, डी क्यों बोलू, डायमीटर किसका ऑफ मून, एनीबडी कैन टेल इट नाउ, कुछ दिया होगा कुछ आपसे पूछ लेगा, लेकिन यहां पे थीटा आमतौर पर सेकंड्स वगैरह में गिवन होगा, आपको उन सेकंड्स को मिनट, मिनट से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो बता रहा हूं, तो यानी कि बात क्या खत्म हुई हमारी, ऐसे मत यूज कर देना इसको, रेडियन में कन्वर्ट करके ही यूज करना, राइट। तो फिर बात करते हैं रेडियन का क्या सीन है। वन डिग्री इज इक्वल 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है, हाँ डिग्री, तो मिनट ऑफ एंगल, टाइम ये एंगल, तो अगर ये मेरे पास 1 डिग्री एंगल है ना, जिनको पता अच्छी बात है, मैंने लेकिन अपना करना ही होता है, ये डिग्री है ना, तो ये कन्वर्टेड, ये एक डिग्री को 60 से बांट दिया, फिर इतने खतरनाक है ये लोग कि उसको 1 मिनट को भी
आमतौर पे इसको ऐसे बोलते हैं, ये 60 सेकंड ऑफ आवर। अंग्रेजों में क्या सोची, टाइम में भी मिनट, एंगल में मिनट लगा दिया, लगा दिया, कोई बात नहीं। तो फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमें वही पढ़ना पड़ता है जो अंग्रेजों ने पढ़ा है ना, सेकंड्स, 1 सेकंड पॉलिटी करता है, 1 सेकंड भी अभी किसमें कन्वर्ट किया, डिग्री में। लेकिन बच्चों जी अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो मुझे एंगल किसमें चाहिए, रेडियन में। 1 सेकंड डिग्री कितना होता है, 5/180 रेडियन। फिर आपको उससे लिखा होगा द डिस्टेंस ऑफ मून इज दिस, इतने किलोमीटर, एंगल सब्टेंड बाय द मून ऑन द अर्थ इज 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, जो मर्जी बोल दे, किसी प्लेनेट का नाम ले सकता है। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून, निकाल दो, राइट। दूसरा, कई बार वो लैंग्वेज अपनी यूज करता है इसको ना, इसका नाम बोलो, व्हाट इज थीटा, बोलो बोलो एंगल सब्टेंडेड बाय, सिर्फ मून भी लिख सकता है, तो डायमीटर ऑफ मून एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ। किसी भी चीज के बच्चों को टर्म याद करनी है ना, उसके एडजेक्टिव पूरे पता होना चाहिए, बोला क्या है, उसका नाम पूरा नाम बताना चाहिए, फलाना सिंह फलाना फलाना, उसके कास्ट भी याद कर लेनी है, प्रीफिक्स भी याद कर रहे हैं, सफेस सब कुछ याद करना। एंगल सब्टेंडेड बाय डायमीटर ऑफ मून एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, इसका दूसरा नाम, और एंगुलर डायमीटर, ऑफ व्हाट, मून। तो अब मानो एग्जांपल मैंने बना दी यहां पे, ये कुछ किलोमीटर्स है, ये कुछ सेकंड्स है, राइट, और ये डिस्टेंस वहां से निकला है फॉर्मूला के साथ। सिमिलरली देर में भी ये क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स है, कोई भी दो पॉइंट्स है, जैसे मून गोलर मून है, दो पॉइंट्स 5 किलोमीटर पे हैं, तो 5 किलोमीटर पे और छोटा सेंगल बना रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स, इसके बारे में होगा। टेलीस्कोप टेलीस्कोप की बातें हो सकती है, टेलीस्कोप पे भी एंगुलर रेजोल्यूशन होती है, ध्यान आ रहा है ना, तब की बात तब करेंगे। आज के लिए मुझे लग रहा है कि जो एक टिपिकल आई वॉज थिंकिंग, जब भी बच्चों नए बच्चों ने आना होता है तो पहले मैं थोड़ा सा बायस्ड होकर सोच रहा था कि मैथ करवाऊं उनको ना करवाऊं, कि मेरा पुराने एक्सपीरियंस से मुझे बोला कि नहीं, मेडिकल के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे मतलब आई डोंट टेक इन एनी सेंस लेसर देन नॉन मेडिकल, अदर आप मेरे जो प्लस वन के बच्चे हैं ना उनको पढ़ा रहा हूँ उस वक्त में, मेडिकल नॉन मेडिकल इकट्ठा, एक इंच छोटा सा मैथमेटिक्स भी उनको कम नहीं करवाया मैंने मेडिकल के बच्चों से। एनीवे, तो अब आपके मैं आपके साथ ना असाइनमेंट्स नॉर्मली शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने बुक बोल दी आपको, और काफी धांसू बुक है, काफी ज्यादा बुक है, वो चैलेंज रहेगा, उसमें सॉल्ड एग्जांपल्स हैं, कर डालनी है आपने, आज तो कुछ नहीं करने लायक उसमें, आज क्या फिर, आज मैं अभी थोड़ी देर में आपसे असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की, वेरी सिंपल, तो दैट इज जस्ट टू गेट थ्रू। अगर आपको लगे कुछ रिपीटेटिव है कि साइन उसमें साइन 60 पूछा हुआ है, साइन 120 आपको आता है, बेशक स्किप कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं, ये आपकी अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। शुरू के 4-5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं, सिंपल वाले हैं, क्वाड्रेटिक दी हुई है तो उसके एक्स दो वैल्यूज निकाल के बताओ, तो जिनके हाथ तेज चलते हैं वो छोड़ दें उसको, जिनको लगता है तो एक रीड जरूर मार लेना असाइनमेंट। लेकिन आपके लिए होमवर्क है सबके लिए, तुम जो मेरी तैयारी तक ताकि इस क्लास को एक्सेलरेट कर सके, हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले आपको आते हैं, मैंने तो भी जो बोलना होगा वो बोलूंगा, लेकिन आपको जो बेसिक फॉर्मूले आते हैं वो सारे करके आए, और फिर ये भी इंडिविजुअली हो सके तो ग्रुप में पोस्ट कर दो, कि जैसे आज आप डिफरेंशिएशन रिवाइज करो, लेकिन अब ऐसा मत करना फिर कि हाँ सर ने कह दी आती तो है, एक बार जो भी बुक्स आपके पास हैं उनमें से दैट इज फास्ट रिविजन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, अभी तक आपको हो गए सर हमें ना वो नहीं पता चलता, तो ग्रुप में यू कैन पोस्ट इंडिविजुअली सारे बच्चे, सर डिफरेंशिएशन वैसे आती है, हमें स्लोप का फंडा नहीं पता, सर वैसे आती है, हमसे ना वो वाले नहीं होते
इसमें लॉग वाले होते हैं या स्क्वायर होते हैं, एक दो बातें अगर आप कर दोगे बढ़िया है, वरना कल मैं आते पूछूंगा आपसे, तो दो चार एग्जांपल उठा दूंगा, आपको आती होगी, डन है। एल्स आई मूव फॉरवर्ड, मेनली मुझे आपको बताना है डिफरेंशिएशन है स्लोप के बिल्डिंग, क्योंकि बहुत स्लोप क्या क्या स्लोप के जरिए हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा और कई बातें, कई विजुअलाइजेशन, राइट। तो सेम विद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में थोड़ी सी बात होती है एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये बातें अगर हो जाएंगी तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे मैथमेटिकल टूल्स को, फिर अगर आप करके आते हैं तो कल ही स्टॉप कर देंगे, बीच में अगर जहां जरूरत पड़ेगी तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। टाइमिंग्स दैट इज आई विल मॉर्निंग टाइमिंग्स ही बच्चों हमारी जो मेरी, हाँ लेकिन अब तो टाइम आता है अश्नीत बेटा, वो बायो का बताना है, बायो का वही 10:30 है ना फिक्स है ना, यू कैन यूज आपकी सर, नहीं वो टाइम चेंज कर दिया, 3-4 कर दिया परमानेंट, 3-4 है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा टाइम फिर परमानेंट, अश्नीत आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अगर ऑड भी लगे मैं मॉर्निंग में टाइम ही करने वाला हूँ, तो 9 to 10:30, 9:15 कर देता हूँ ब्रेकफास्ट, ये 9 or 9:15 मैं अनाउंस कर दूंगा, लेकिन 9 o'clock लेके चलो, मैं भी देख लूंगा सारा प्लस टू का मेरी क्लास कितने खत्म होती है कुछ और चेंजेस, तो ऑफिशियल टाइम हमारा 9 to 10, 10:30 रहेगा, लेकिन इट इज इम्पेरेटिव कि आप 9 to 10:30 कि आप अपने आप को 11 o'clock तक मतलब फ्री रखोगे अपने अपने हिसाब से, कहीं कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करोगे 11 o'clock के हिसाब से। नॉर्मली मैं 1.5 hours लेके चलूंगा 9 to 10:30, तो अगर मुझे एक दो दिन में लगा कि मुझे 9:15 करनी पड़ रही है बिकॉज मेरी प्लस टू क्लास खत्म होते ही मेरे पास कितना टाइम बचता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो फिर 10:45 चला जाएगा, और कभी कभी टॉपिक के अकॉर्डिंगली मैं आपको हो सकता है बाद में क्वेश्चन दे दूँ करने को अपने सामने बैठ के, तो आपने 11, 11:15 तक अपना टाइम फ्री रखना है, तो कल की क्लास इधर 9 or 9:15 पे होगी, ये मैं आपको ग्रुप में क्लियर कर दूंगा, क्लियर। एनी कुछ और किसी ने पूछना हो तो क्लैरिफिकेशन, अगर नहीं है तो फटाफट वहां पे ना चैट में कोई कुछ नहीं पूछना, कोई बात नहीं है, तो जो भी लिखते हुए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। यू कैन लॉग ऑफ, मैं यहीं पे खड़ा हूं, और किसी बच्चे को लगता है कि मैंने अकेले कुछ बात करनी है और सर कोई क्लैरिफिकेशन करनी है तो रुक भी सकता है, मैं एंड तक यहां रहूंगा, यू कैन लॉग ऑफ, जिनको कुछ नहीं पूछना वो लॉग ऑफ करते जाओ, जिनको कुछ पूछना है वो चैट में लिख दो यस सर मुझे ये बताओ, थोड़ा सा और कोई क्लैर, फर्स्ट डे हमारा